ओ एंड वेलकम टू माय चैनल द फिनल इंग्लिश विद सुमन तो मैं सुमन आज आप लोगों के लिए लेके हूँ एक बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट लेसन जो भी एडवांस लेवल में इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनके लिए लेसन बहुत यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे स्पीकििंग के टाइम बड़े सेंटेंस बनाएँ क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना होता है या फिर ऐसा कंप्लेंट होता है कि हम थोड़ा बहुत तो बोल पाते हैं पर जब भी कोई बड़ा सेंटेंस बोलना होता है या फिर आ, ऐसे दोनों सेंटेंस को जोड़ना होता है हमें दिक्कतें आती हैं तकलीफें आती हैं तो आज हम सीखेंगे हाउ टू फॉर्म बिग सेंटेंसेज वाल स्पीकिंग बोलते टाइम बड़े सेंटेंस कैसे बनाएँ तो देखिए मोटी मोटी ये बात यही है कि जब हम बड़े सेंटेंस बनाते हैं तो एक्चुअली हम ज्वाइन करते हैं दो और तीन सेंटेंस को जोड़ते हैं हम जब बातें करते हैं तो एक सेंटेंस कितना बड़ा हो सकता है तीन चार वर्ड्स का होता है पाँच वर्ड का होता है और इससे ज़्यादा बड़ा अगर सेंटेंस बनाना होता है तो हम एक्चुअली दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके बनाते हैं तब जाके वो बड़ा सेंटेंस हो जाता है तो ये जो बड़े सेंटेंस हम बनाते हैं दो सेंटेंस को जोड़ के या फिर तीन सेंटेंस को जोड़ते तो हम क्या यूज़ करते हैं उसमें एक लिंकर यूज़ करते हैं सेंटेंस बनाने के टाइम हम उसमें एक लिंकर्स या फिर जॉइनर्स कुछ भी कह लें हम यूज़ करते हैं तो ये जो लिंकर्स या जॉइनर्स होते हैं ये सेंटेंस के मतलब जो दो सेंटेंस हम जोड़ रहे हैं उनके मोट के ऊपर होता है मतलब कैसे सेंटेंस है उनके ऊपर होता है उनके ऊपर डिपेंड करके हम ये जॉइनर्स या लिंकर्स जोड़ते हैं मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे घर जाना है और फिर घर जाके मुझे मार्केट में जाना है तो ये दोनों सेंटेंस एक ही तरीके का सेंटेंस है तो ये सारे सेंटेंस के लिए हम एक तरीके का जॉइनर्स यूज़ करते हैं या फिर लिंकर यूज़ करते हैं जिसे हम एडर कहते हैं देखिए स्क्रीन पर लिखा होगा एडर तो ये हम कब यूज़ करेंगे जब एक ही तरीके का सेंटेंस होगा फिर अगर मान लीजिए किसी को अगर कोई सेंटेंस हम कॉज इफेक्ट टाइप का कुछ बताना चाहते हैं मतलब मान लीजिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आज बीमार हूँ तो मैं आज ऑफिस नहीं जा सकता तो ये क्या हुआ कॉज इफेक्ट मतलब रीज़न आउट करना हो गया कुछ रीज़न वगैरह देना या फिर कॉज इफेक्ट ऐसा कुछ अगर सेंटेंस में रहा तो हम कॉजर यूज़ करते हैं फिर आ गया कॉन्ट्रास्टर कॉन्ट्रास्टर कब यूज़ करेंगे दो सेंटेंस में अगर समानता ना हो एक दूसरे के विपरीत कुछ कह रहा हो तो तब जाके हम कॉन्ट्रास्टर यूज़ करते हैं फिर एक हो गया कंपेर कंपेयर कब यूज़ होता है जब हम कंपैरिजन लाते हैं दो चीज़ में हम तुलना करते हैं ये सारे मेनली फोर्ड जो लिंकर्स हैं हम यूज़ करके ही बड़े सेंटेंस बना सकते हैं इससे परे कुछ और है ये चार जो मेन यू नो लिंक से इससे भी अलग कुछ होते हैं एक और दो पर वो हम आज नहीं सीखेंगे फिर कभी पर ये जो चार है ये मेन है ये अगर सीख लिया तो मतलब 80 परसेंट तो हो ही गया मान लीजिए तो पहले हम बात करेंगे एडर्ट्स की तो एडर्ट्स क्या होता है ज्वाइन करने के लिए होता है एडर्ट्स हम ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं तो मान लीजिए मैंने कहा एक एग्जाम्पल माई फ्रेंड लॉस्ट इज एंड कूड नॉट फाइंड हिस्ट पेंसिल टू राइट दोनों ही एक ही तरीके का सेंटेंस है मैंने कहा ना एडर कब कर यूज़ करेंगे एक ही तरीके का सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए मेरा जो दोस्त है उसने पेन भी खो दिया उसे पेंसिल भी नहीं मिल रही तो वो लिख नहीं पा रहा है बेचारा तो दोनों ही एक ही तरीके का चीज़ है पेन भी नहीं है पेंसिल भी नहीं है जब दो ही चीज़ एक ही तरीके का होता है समानता होता है उनमें कुछ तो हम एंड यूज़ कर सकते हैं एज अ लिंकर एज एडर एक और एग्जाम्पल देख लीजिए ही इज अ गुड स्टूडेंट एज वेल एज अ गुड पेंटर तो पहले सेंटेंस में हमने एड यूज किया था दूसरे सेंटेंस में क्या है वो अच्छा स्टूडेंट भी है पेंटर भी है तो एज वेल एज ये वाला लिंकर हम यूज कर रहे हैं ही इज अ गुड स्टूडेंट एज वेल एज अ गुड पेंटर अच्छा स्टूडेंट भी है अच्छा पेंटर भी है तो एक ही तरीके का चीज बोल रहे हैं इसलिए एज वेल एज ये एक डिफरेंट टाइप का एड यूज किया हमने ही इज नॉट ओनली अ सिंगर बट ऑल्सो डांसर अभी ये तीसरा वाला इसमें क्या है ये भी सेम ही चीज़ कह रहा है कि सिंगर भी है डांसर भी है तो नॉट ओनली बट ऑल्सो थोड़ा बड़ा है ये वाला एडर पर फिर भी सही लग रहा है इसमें है ना वो सिर्फ एक सिंगर नहीं है एक डांसर भी है ऐसा लग रहा है तो एक ही तरीके का चीज़ हम जब ज्वाइन करते हैं बड़े सेंटेंस बनाते हैं तो ये चीज़ हमें सीखना होगा एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट ऑल्सो ये तीनों बहुत ही कारीगर साबित होंगे फिर आएंगे नेक्स्ट वाला कॉजर टू रीज़न आउट क्या होगा कॉजर कब यूज़ होगा जब रीज़न आउट करना पड़ेगा हमें कुछ कहना पड़ेगा कि ये है वो है मतलब इसलिए ऐसा कुछ hmm. जब भी कॉज इफेक्ट वगैरह कुछ मिलेगा तब वी यूज़ कॉजर वेन देयर इज़ अ काज एंड इफेक्ट रिलेशन आई एम नॉट गोइंग आउट टूडे बिकॉज आई मिल मैं आज नहीं जा सकता बाहर क्योंकि मैं मतलब मेरा मुझे बीमारी है कुछ आई एम नॉट गोइंग आउट टूडे बिकॉज आई एम So बिकॉज ये वाला एडर हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं मैं आज घर बाहर नहीं जा रहा मैं आज मेरा तबीयत सही नहीं है तो क्योंकि ये जो बिकॉज वर्ड है इसका मतलब क्या होता है क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है एज it did नॉट work ही he failed. से भी हम कर सकते हैं जैसे बिकॉज से होता है ना बिकॉज अगर यूज़ करेंगे तो नॉर्मली हम जो रीज़न है वो बाद में बिठाते हैं आई एम एमिल ये तो रीज़न था ना क्योंकि मैं क्यों बाहर नहीं जा सकता रीज़न क्या है मैं स्वस्थ नहीं हूँ तो ये वाला जो रीज़न है ये मैंने बाद में बिठाया बिकॉज के बगल में और ऐस हम जब लिखेंगे तब जो रीज़न है वो पहले बिठाना होता है एज इट डिड नॉट वर्क आउट ही फेल्ड इफेक्ट क्या था वो फेल कर गया रीज़न क्या है रीज़न है कि वो मतलब सही तरीके से मेहनत नहीं किया उसने तो ऐसे हम जब लिखेंगे या फिर बोलेंगे तब वो पहले बिठाना होता है जो कॉज है और फिर आ गया आई इन्वाइटेड हिम सो ही इज हियर सो आई इनवाइटेड हिम सो ही इज हियर मैंने उसे इन्वाइट किया था तो वो यहाँ आया है सो सो वी रीजन आउट के लिए बहुत सही है सो so, ये तीनों चीज बिकॉज एज और सो ये हम सीख लेंगे एग्जाम्पल के दौर में कॉजर फिर कंट्रास्टर कंट्रास्टर क्या करेगा कंट्रास्टिंग कुछ दिखाएगा विपरीत कुछ दोनों चीज़ में अगर समानता ना हो दोनों दोनों के विपरीत कुछ कह रहे हो फिर ये वाला कंट्रास्टर्स आ जाएंगे जैसे पहले वाले में कि ट्राइड बट फेल्ड उसने ट्राई किया था पर फेल हो गया अगर ऐसा होता कि ट्राई भी किया और पास भी हो गया फिर हम एंड यूज करते ये ट्राइड एंड पास्ट पर वो विपरीत कुछ कर रहे है ना ट्राई किया था पर फेल हो गया क्या करें ये ट्राइड बट फेल्ड फिर आ सकता है दो ये वाला चीज़ दो ये जो वर्ड है माई सिस्टर लव्ज़ आइसक्रीम शी हेट्स वनीला फ्लेवर तो वो आइसक्रीम तो पसंद करती है बट वनीला फ्लेवर उसे पसंद नहीं तो so, इसलिए दो मीनिंग सेम ही है हम यहाँ पर भी बट लगा सकते हैं सेम ही चीज़ है तो so, बट हम बट से हमने एक सीख लिया दो उसे हमने एक सीख लिया दोनों ही कंट्रास्ट हैं यूज़ कर सकते हैं हम्म hmm? तो so, बट नॉर्मली मिडिल में बैठता है और दो पहले बिठाना पड़ता है ये जो टेक्निक है ये हमें सीख लेना होगा एग्जाम्पल से ही और फिर एक चीज़ है नेवदलेस

तो वैसे ही हमने कॉन्ट्रास्टर भी सीख लिया फिर मूविंग ऑन टू कम्पेयरर कम्पेयर क्या करेगा कंपेयर करेगा दोनों चीज़ में तुलना करेगा द टू ब्रदर्स आर इक्वली टैलेंटेड दोनों भाई सेम तरीके के टैलेंटेड हैं तो सेम टैलेंटेड है इसलिए इक्वली कर दिया फिर क्या आ रहा है आई एम मैड अबाउट क्रिकेट लाइक वज माई फादर इज मेरे डैड जैसे पागल है क्रिकेट के लिए मैं भी उतना ही पागल हो गया विन क्लन विन कैन ब्लो सिमिलरली फायर कैन बर्न जैसे हवा उड़ाती है वैसे ही फायर चलाता है है ना सिमिलरली लाइक वाइज इक्वली ये सारे हैं कंपेयर जो कि ना कंपेयर करने के लिए हमें लगता है ऐसे हम बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं आप भी ऐसे एग्जाम्पल्स और बनाइए और बोलने के टाइम यूज़ कीजिए और डेफिनेटली कमेंट में लिखिए कुछ और एग्जाम्पल्स राइट right? और तब तक नया लेसन आएगा पढ़ते रहिए सीखते रहिए बोलते रहिए बेस्ट ऑफ लक